कि क्या बिना पीआरबी के हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आ सकता है, और वो भी पूरा का पूरा, कि इतनी सारी टेक्निक्स हैं और हमें तो सिर्फ एफयूई और एफयूटी के बारे में पता है, ज्यादा से ज्यादा डीएचए के बारे में पता है, तो मैं कौन सी टेक्निक से करवाऊं, या अगर मैं एफयूई से करवाऊं तो मेरा रिजल्ट ऐसा आएगा कि नहीं जैसा मैं चाह रहा हूं। Hey guys, welcome back to this channel. कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की Q&A वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो Q&A होने वाली है, जैसे कि आप सभी जानते हो हमारे वीकेंड Q&A रखते हैं, जिसमें आप हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितने भी अपने डाउट्स होते हैं वो पूछते हैं, उन डाउट्स को हम डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करने के बाद आप लोगों के आंसर्स देते हैं। तो आज की वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों ने काफी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ क्वेश्चंस एफयूवी टेक्निक को लेके पूछे हैं, कुछ क्वेश्चंस पीआरपी को लेके पूछे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग को लेके भी आज के वीडियो में आया है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपके मन में भी अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड डाउट हो, कॉस्टिंग को लेकर, क्लिनिक को लेकर, आप इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिख दीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले Q&A वीडियोस में आपका क्वेश्चंस में उठा लूं। अगर आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली हम उठाएंगे और वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आपका जो डाउट है वो काफी लोग तक पहुंचे एंड आपका डाउट हो सकता है बहुत लोगों का डाउट हो और वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है साइंस फीवर ने, इज इट पॉसिबल टू गेट फुल रिजल्ट विदाउट पीआरपी। ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि क्या बिना पीआरपी के हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आ सकता है, और वो भी पूरा का पूरा। सो बेसिकली जहां तक बात करूं मैं पीआरपी की, तो मैंने पहले भी क्लियर किया कि पीआरपी का अपने न्यू जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पीआरपी नहीं लोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर आप बहुत ज्यादा पीआरपी ले लोगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पीआरपी बेसिकली आपके रिजल्ट को बूस्ट करने के लिए दिया जाता है, टाइमिंग्स के लिए, राइट। जो रिजल्ट आपका 8 महीने में आना हो, पीआरपी लेने के बाद वो 6 महीने में आ जाता है, लेकिन जो रिजल्ट आना होता है वही रिजल्ट आता है, राइट। ऐसा नहीं होता कि आपने 4000 ग्राफ्ट लगवाए और आप पीआरपी ट्रीटमेंट ले लोगे 10-12 तो वो 6000 ग्राफ्ट सूख जाएंगे, नहीं। पीआरपी सिर्फ आपके रिजल्ट को बूस्ट करता है, जो रिजल्ट आपका थोड़ा लेट आना होगा वो रिजल्ट थोड़ा जल्दी आता है, दैट्स इट। अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हुआ है, आप पीआरपी नहीं भी लोगे फिर भी आपका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भट्ट हिलाल ने, इफ वी गो विद एफयूवी टेक्निक इन अ गुड क्लिनिक अदर देन द न्यूली इन्वेंटेड टेक्निक्स, विल द डिजायर्ड रिजल्ट विल बी अचीव्ड, प्लीज एक्सप्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है हिलाल जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम एफयूवी टेक्निक से ही ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, नॉर्मल एफयूवी टेक्निक से, और एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, ना कि कुछ स्पेशल टेक्निक्स जो आजकल न्यूली इन्वेंटेड टेक्निक्स है, जो आप देख रहे हैं काफी अलग अलग टेक्निक्स मार्केट में आ चुकी है, तो अगर हम सिंपल एफयूवी टेक्निक से भी ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं लेकिन बहुत अच्छे क्लिनिक से, तो क्या रिजल्ट हमें वैसे मिलेंगे जैसा हम चाहते हैं? तो देखिए हिलाल जी, ये क्वेश्चन मुझे पता है आप लोगों में से काफी लोगों के मन में आ रहा होगा जो आजकल ट्रांसप्लांटेशन की वीडियोस देख रहे हैं और ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहे हैं 6 महीने बाद, साल भर बाद, या नेक्स्ट मंथ, कभी भी प्लान कर रहे हैं, तो मन में डाउट आ रहा होगा। जितने क्लिनिक्स वो लोग विजिट कर रहे होंगे उतनी नई नई टेक्निक्स के बारे में उनको बताया जा रहा होगा, राइट। ख्याल दिमाग में ये आता है कि इतनी सारी टेक्निक्स हैं और हमें तो सिर्फ एफयूवी और एफयूटी के बारे में पता है, ज्यादा से ज्यादा डीएचए के बारे में पता है, तो मैं कौन सी टेक्निक से करवाऊं, या अगर मैं एफयूवी से करवाऊं तो मेरा रिजल्ट ऐसा आएगा कि नहीं जैसा मैं चाह रहा हूं। बहुत सिंपल इसका आंसर है, मैंने पहले भी क्लियर किया है कि आज तक दुनिया में 2 ही टेक्निक्स है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, दैट इज एफयूवी टेक्निक, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, और एफयूटी टेक्निक, राइट। अब आप जितनी भी नई नई टेक्निक्स आजकल देख रहे हो, बायो एफयूवी, जितनी भी न्यू टेक्निक्स आप देख रहे हो, ये सारी एफयूवी टेक्निक से ही डिराइव्ड हुई है, राइट। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सेम टू सेम एफयूवी टेक्निक ही होती है, वो थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल टेक्निक है जहां से वो डिराइव्ड हुई है नई नई टेक्निक, वो एफयूवी टेक्निक ही है, एंड वो बहुत ज्यादा न्यू टेक्निक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई नई टेक्निक इन्वेंट हो गई है, राइट। अगर आप एक अच्छे एक्सपीरियंस क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो, जहां पे डॉक्टर्स अच्छे हैं, जहां पे टीम अच्छी है, आप एफयूवी से भी अगर ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो ना, तो आपका रिजल्ट डिजायर्ड ही आएगा, जैसा आप चाह रहे हो आपका बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आएगा। ऑल्दो आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक
होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक अच्छे क्लिनिक से करवाते हो और आप बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक से नहीं भी करवा रहे हो, बेसिक एफयू टेक्निक से भी करवाते हो, फिर भी आपका रिजल्ट 100% आएगा। और अगर आप अनएक्सपीरियंस क्लिनिक से जाकर ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हो, राइट, जहाँ पे यू नो डॉक्टर्स नहीं है, जहाँ पे टेक्नीशियन टीम बहुत अनएक्सपीरियंस है और जहाँ पे रिजल्ट इनफैक्ट अच्छे नहीं है, और आप बहुत अच्छी टेक्निक से भी ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हो, अगर अच्छा क्लिनिक नहीं होगा तो आपका रिजल्ट फिर भी नहीं आएगा, राइट। मैं आपको ऐसे रिजल्ट भी शो कर दूंगा, कभी कंपेरिजन में आपको दिखाऊंगा आने वाले टाइम पे वीडियोज में, जहाँ पे मैं दो रिजल्ट को कंपेयर करूंगा, एक रिजल्ट बहुत अच्छे क्लिनिक से और बेसिक एफयू टेक्निक से हुआ है और दूसरा रिजल्ट बहुत बेकार क्लिनिक से और बहुत अच्छी टेक्निक से हुआ है। और रिजल्ट में जब कंपेयर करता हूँ, जमीन आसमान का फर्क है, राइट। जो बहुत अच्छे क्लिनिक से और बहुत सिंपल टेक्निक से ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, उसका रिजल्ट लाख गुना बढ़िया है एज कम्पेयर टू बहुत खराब क्लिनिक और बहुत अच्छी टेक्निक से ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है। आपका ट्रांसप्लांटेशन आप किसी भी टेक्निक से करवाओ, अगर अच्छे से परफॉर्म होगा तो रिजल्ट 100% आएगा। नेक्स्ट उन्होंने पूछा तरुण शर्मा ने, सर ट्रांसप्लांट के कितने दिन बाद लुक नॉर्मल लगेगा? ये भी काफी लोगों को डाउट रहता है कि ट्रांसप्लांटेशन हम करवा लेंगे लेकिन उसके बाद हमारा जो लुक है वो नॉर्मल कितने दिन बाद होगा, मतलब हम नॉर्मली बाहर कब तक घूम सकते हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी क्लियर किया है कि ट्रांसप्लांटेशन के 2-3 दिन बाद आपका लुक बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, आप डेली एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा दिव्यांश गोयल ने, क्या एक ओवरवेट पर्सन अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है या फिर उसको अपना पहले वेट लॉस करना पड़ेगा जिससे कोई हार्मोनल इश्यूज ना हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत यूनिक है, पहली बार शायद किसी ने क्यूएनए में ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोई ओवरवेट इंसान जिसका वेट ज्यादा हो वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा सकता है या फिर उसको पहले वेट कम करना पड़ेगा देन ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ेगा ताकि कोई हार्मोनल इशू ना हो जाए। तो देखिए दिव्यांश जी, आई नो ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, या तो आप ओवरवेट होंगे या तो ओवरवेट नहीं होंगे, राइट। अगर आप ओवरवेट हो और आपके मन में ये डाउट है तो देखिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन आप करवा सकते हो। अगर आप ओवरवेट भी हो, इसका आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं पर्सनल सजेशन ये दूंगा कि अगर आप ओवरवेट हो, हेयर ट्रांसप्लांटेशन आप अलग भी रखो, आप कोशिश करें अपना वेट को यू नो नॉर्मल करने की, ताकि आप ट्रांसप्लांटेशन तो ठीक है अलग बात है लेकिन आप नॉर्मल लाइफ भी एंजॉय कर पाओ। और जहां तक बात रही रिजल्ट की, तो आपका रिजल्ट 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा देवराज ने, हेयर ट्रांसप्लांट इज सेफ नाउअडेज? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आजकल आज की डेट में करेंटली हेयर ट्रांसप्लांटेशन सेफ है कि नहीं? देखिए कुछ तो बात है जो लोग ऐसे क्वेश्चंस अभी भी पूछते हैं, और वो लोग जिनको ट्रांसप्लांटेशन के बारे में ऑलरेडी पता है, हो सकता है ये डाउट्स लोगों के मन में इसलिए आ रहा है कि उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट जैसे देखे हैं जहाँ पे रिजल्ट नहीं आया, राइट। जहाँ पे पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो गया ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद, पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो गई ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद, इन्हीं स्टोरीज को सुन के, इन्हीं न्यूज इवेंट्स को सुन के ही के मन में डाउट आता है कि ट्रांसप्लांटेशन क्या आज की डेट में भी सेफ है, राइट, कि नहीं। तो देखिए अगर आप किसी भी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से या किसी भी प्रोफेशनल से आप इस बारे में पूछोगे तो हर कोई ये बोलेगा कि ट्रांसप्लांटेशन इज द सेफेस्ट प्रोसीजर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। अगर मैं और सर्जरीज की बात करूं तो कॉम्प्लिकेशन बहुत है, लेकिन वेयर इज इन द केस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन इट इज द सेफेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी अवेलेबल। बहुत सेफ सर्जरी है, बहुत माइनर सर्जरी है, लेकिन तब अगर आप किसी डॉक्टर के सुपरविजन में करवाते हो, राइट। जो आप न्यूज इवेंट सुनते हो, जो भी आप यू नो, मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, 10,000 में से एक केस ऐसा होता है जहां पे आपको ऐसे न्यूज आपको सुनने को मिलती है। लेकिन आप जो सुन भी रहे हो ना, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे या ध्यान से उस स्टोरी के बारे में जानोगे तो आपको ये पता लगेगा कि वहां पे डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं थे, राइट। जो सर्जरी परफॉर्म हो रही थी वो डॉक्टर थे ही नहीं वहां पे, जिस वजह से कॉम्प्लिकेशन हुई और कई केसेस में बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट्स भी हुए, राइट। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज द सेफेस्ट प्रोसीजर अवेलेबल इन द मार्केट। अगर मैं कॉस्मेटिक सर्जरीज की बात करूँ तो बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज भी है कॉस्मेटिक, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन is the most safest surgery available, right? बहुत छोटी सर्जरी है, बहुत सेफ सर्जरी, और आप 100% करवा सकते हैं बिना किसी टेंशन के, लेकिन वहीं से करवाएं जहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल। नेक्स्ट ने पूछे अमोल ने, मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करके 1 month हुआ, जब हेड वॉश किया था तब बहुत अच्छी डेंसिटी लग रही थी, बट अभी की कंडीशन में लग रहा है ट्रांसप्लांटेशन हुआ ही नहीं है। अच्छा, ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि जब ट्रांसप्लांटेशन के बाद इन्होंने फाइनल हेड वॉश कर लिया था, जब ग्राफ्ट में जो क्लॉट्स जमे हुए थे जब वो निकाल दिए थे तो बहुत ही अच्छी डेंसिटी लग रही थी, लेकिन 1 महीने बाद अभी जो कंडीशन है वो बहुत खराब हो चुकी है, लग ही नहीं रहा ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। तो अमोल जी, मैं पहली बार आपको बता दूं, आप शेडिंग फेज से गुजर रहे हो, इसको शेडिंग फेज बोलते हैं, राइट। जब आप जो न्यूली जो आप ग्राफ्ट लगाते हो, कुछ टाइम बाद वो बाल झड़ते हैं शेडिंग फेज में, एंड देन 2-3 महीने बाद वो बाल दोबारा से ग्रो होने
लगने लगता है, तो आप उसी फेस से गुजर रहे हो। दूसरी बात, आपने बोला जब आपने हेड वॉश किया था तो बहुत अच्छी डेंसिटी लग रही थी, तो वो आपकी रियल डेंसिटी जो आपकी आने वाली है, राइट। जब आपका 6 से 8 महीने बाद रिजल्ट आएगा तो आपको वैसी ही डेंसिटी वापस से मिलेगी, राइट। मैंने पहले भी क्लियर किया है, हेड वॉश के बाद जो आपका फाइनल हेड वॉश हो जाता है, जब आपके क्लॉट सारे निकल जाते हैं, वो डेंसिटी डिफाइन करती है कि आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है, और वो हेयरलाइन ही डिफाइन करती है कि आपकी हेयरलाइन कैसे आने वाली है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आपका फाइनल हेड वॉश होता है, जो भी डेंसिटी आपको लगे, जो भी हेयरलाइन आपको दिखे, वही हेयरलाइन आपकी आने वाली है जब आपका शेडिंग फेस कंप्लीट हो जाएगा और जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने पूछा, वन बेन आर्मी ने हेयरलाइन पीछे चला गया है 2 ग्रेट बॉल्डनेस के जैसा, उसके पीछे मिड से क्राउन तक डिफ्यूज हो गया है, मुझे जानना है कि क्या वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन होगा। मेरी एज 24 है, हाइट 5'8" है, वेट 52 kg है, 18 की एज से हेयर फॉल हो रहा है, डिप्रेशन जैसा फील कर रहा हूँ। तो देखिए वन मैन आर्मी जी, आप बता रहे हो कि आपका हेयरलाइन पीछे चला गया है, 2nd ग्रेड का बॉल्डनेस है और आपके मिड में भी डिफ्यूज पैटर्न हो गया है, राइट। तो देखिए ये डिफ्यूज पैटर्न नहीं है, ये आपके थिनिंग चल रही है जो आप मिड में बता रहे हो। अगर आपका डिफ्यूज पैटर्न होता तो आपकी हेयरलाइन रिसीड नहीं हुई होती, राइट। वहाँ पे भी ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है, लेकिन जनरली अगर आपकी एज कम है तो डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेंगे। डॉक्टर यही बोलेंगे कि आप फ्रंट में करवाइए, हेयरलाइन बनवाओ, जो मिड स्कैल्प में थिनिंग आ रही है वहाँ पे आप PRP ट्रीटमेंट और फिनिस्ट्राइड लो, राइट, ताकि वहाँ पे डेंसिटी बढ़ सके। क्योंकि चांसेस होते हैं, जब थिनिंग के केसेस में होता है, वहाँ पे चांसेस होते हैं कि PRP और मेडिकेशन से वो डेंसिटी वापस से आ जाए। तो अभी वहाँ ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत मुझे नहीं लगती होगी, एंड डॉक्टर भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे फिलहाल। तो नेक्स्ट ने पूछा, राजू ने, सर बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरा बाल बढ़ता ही नहीं जल्दी और हेयर लाइन भी रिसीड होती जा रही है, EMI पे ट्रांसप्लांटेशन करवाने का सोच रहा हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। देखिए राजा जी, आप EMI में ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो दिल्ली में, आजकल EMI में पॉसिबल है, मैक्सिमम क्लिनिक्स में हेयर ट्रांसप्लांटेशन EMI पॉसिबल है। अब फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हुई है तो आप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने पूछा, योर फेवरेट ने, अगर हमारे हेड पे 3,000 या 4,000 ग्राफ्ट लगाया गया हो तो हमें पता कैसे चलेगा कि उतना ही लगाया है, एंड क्या डॉक्टर सारा ग्राफ्ट काउंट करते होंगे, हमें प्रूफ कौन देगा कि हेड पे रिक्वायर्ड थे उतने लगाए गए हैं। ओके, ये बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमारे सर पे 3,000 से 4,000 ग्राफ्ट का इम्प्लांटेशन हुआ, 3,000 से 4,000 ग्राफ्ट आपके लगाए हैं हमारे ट्रांसप्लांटेशन में, तो हमें पता कैसे चलेगा बेसिकली कि उतने ही ग्राफ्ट लगाए जितने हमें डॉक्टर ने बोले हैं, और क्या डॉक्टर वो ग्राफ्ट काउंट करते हैं। तो देखिए डॉक्टर्स जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, आपके सेफ जोन से बालों का एक्सट्रैक्शन होता है ग्राफ्ट का, तो उस समय काउंटिंग होती है कि कितने ग्राफ्ट निकाले हैं। मैक्सिमम क्लिनिक्स में वो लिखा भी जाता है, राइट, कि पेशेंट नंबर 1 के इतने ग्राफ्ट हमने एक्सट्रैक्ट किए और इतने ग्राफ्ट लगाने हैं। तो डॉक्टर्स डेफिनेटली काउंट करते हैं जितने ग्राफ्ट आपके एक्सट्रैक्ट किए और जितने ग्राफ्ट आपके लगाने। और जहां तक बात मैं प्रूफ की करूं कि हमें प्रूफ कौन देगा, तो प्रूफ एक अच्छे डॉक्टर्स को वैसे तो प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पूछोगे तो डेफिनेटली वो आपको बता देंगे और काउंट भी करवा देंगे कि आपको कितने ग्राफ्ट लगाए गए। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।